वाइट मना कर दिया। सब हाइट हो रही है बस। मैं यही चाहूंगा कि मेरे तहे दिल से बहुत बहुत उनको मुबारकबाद उनके जन्मदिन की। आज 70 के हुए लेकिन एनर्जी अभी भी 17 की है। गॉड ब्लेस। ऐसी उनकी जो शालीनता है, उनके जो व्यवहार में जो एक नम्रता है, मैं समझता हूँ वही सबसे बड़ा उनका USP है। तो आज कोई स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं बच्चन साहब को, डेडिकेट करने वाले हैं? अंदर परफॉर्म करेंगे तब पता चलेगा। मैं उन्हें दिल से ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं पूरे परिवार को। मैं बेहद खुश हूं उनके 70th बर्थडे पे और उम्मीद करता हूं आने वाले भी 70 साल जो है उनके इसी तरह मजबूत रहे। भारत रत्न मिलना चाहिए? क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं मिला? मैं हैरान हूं। किसको मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। अमित जी जैसे इंसान को हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन उनसे हमें कोई ना कोई गिफ्ट मिलता रहता है। उनकी फिल्में देख के जो सीखने को मिलता है, तो हमें लगता है उनका आशीर्वाद की हमें ज्यादा जरूरत है। बट मैं दिल से कहूंगा कि 70 साल उनको बहुत बहुत मुबारक हो पूरे परिवार। मिस्टर बच्चन 70th बर्थडे विल बी गेम, सो व्हाट आर यू फीलिंग एंड व्हाट डू यू से? टुडे मिस्टर बच्चन 70th बर्थडे विल बी गेम, सो व्हाट आर यू फीलिंग एंड व्हाट डू यू से? आज बच्चन साहब का 17वां जन्मदिन है, सो क्या कुछ कहेंगे बच्चन साहब के इस जन्मदिन पर? बधाइयां देना चाहूंगी और उनके सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए आई। तो डू थिंक मिस्टर बच्चन को भारत रत्न मिलना चाहिए? डू थिंक वो ऑलरेडी भारत के सबसे कीमती रत्न है और सबसे जिससे वो रत्न है जिससे सब प्यार करते हैं, तो वो ऑलरेडी है, तो 100% मिलना चाहिए। अच्छा, आपने भी बच्चन साहब के साथ में काम किया है बागबान में? हाँ जी बिल्कुल। तो वो कौन सी अदाएं हैं बच्चन साहब की जो आपको बहुत ही पसंद है, आपने करी भी है? नहीं, फिल्म में जो अदाएं देखी है वो तो सबने देखी है, वो तो कमाल की है। चाहे वो रोमांटिक रोल्स करें, चाहे वो सीरियस रोल्स करें या कॉमेडी करें, वो कमाल के हैं। बट जब बागबान में जो छोटा सा मेरा एक अपीयरेंस था, थोड़ी इच्छा पूरी हुई। अच्छी बात ये थी कि सबने वो पिक्चर देखी, खुशी की बात ये थी। तो वो बहुत जॉली है, एंटरटेनिंग है, उनकी वन लाइनर्स बहुत कमाल के हैं। हम लोगों का युद्ध चला गया है, तो आई डोंट थिंक आई विल बी सो ही हैज अ जेस्ट, उनकी एनर्जी, उनकी बात ही अलग है। बच्चन अमित जी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे और इज एन इंस्पिरेशन टू आवर सोसाइटी फॉर अस ऑल्सो के 70 साल की उम्र में ऐसे एक्टिव और ऐसा काम करते हैं कि सबके लिए यंगस्टर्स के लिए सबके लिए इंस्पिरेशन। डेफिनेटली हम लोग को जोश बढ़ता है उनका काम करते हुए, ऐसे वॉकिंग करते ऐसे चलते इतने एनर्जेटिक है। बच्चन को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए? अब तो वाई नॉट, डेफिनेटली वाई नॉट, वाई नॉट। 70 साल की उम्र में आप लोग अपने आप को कहा देखते हैं आज बच्चन साहब 70 साल के हुए? वही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे सबके लिए इंस्पिरेशन है। आज 70 साल हो गए हैं हम लोग के, और हम लोग वो इंस्पायर करते हैं हमको भी काम करने के लिए जोश दिला। ऐसा लगता है उनको उनका जोश देख के सबको जोश आएगा कि हम भी ऐसे एक्टिव है। ऑफकोर्स हम लोग को है जोश मिलना चाहिए भारत में। हमारे लिए तो वो भारत में तो ऑलरेडी है, भारत के बहुत बड़े रत्न है। What did you say? I thought love him, I respect him because he's a very nice human being.
So I wish him a very healthy life. Of course, yes. बहुत पहले मिलना चाहिए था. आज उनका 70वां जन्मदिन है. किस तरह से देखते हैं और आप जब 70 साल के होंगे तो आप कहाँ होंगे? मैं गांव में खेती कर रहा हूँ. नहीं, मैं 70 साल में रंगमंच में नहीं बच्चों को पढ़ा रहा होगा और मैं जो विद्या मेरे पास है वो सब कुछ मैं दे के फिर ऊपर जाऊंगा. और इसी तरह अगर भगवान ने जीवित रखा, तंदुरुस्त रखा तो बच्चन साहब की तरह काम करते रहना चाहूंगा. बहुत बड़े इंस्पिरेशन है बच्चन साहब. उनके बहुत रूप है कपड़े को कि दो घड़ी पहनते जो तीन घड़ी दो घड़ी हो मुझे बहुत पसंद है. वो हमेशा दो और बहुत बढ़िया कलरफुल जूते पहनते. लखनऊ से चिकन का कुर्ता लेके आए हैं शॉल के साथ. मैं वही शूटिंग से वहीं से आ रहा हूँ. अरे वो पहुंच गया है. अमित जी को ढेर सारी शुभकामनाएं. हमारी उम्र भी अमित जी आपको लग जाए. आज जन्मदिन है हमारा. अंदर आइए, खाइए पिए, ऐश कीजिए. आज बिल्कुल मिलना चाहिए. अमित जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए. रूप तेरा सोना सोना सोड़ तेरे पायल शवा शवा. नेक्स्ट वीक कोहली दैट एन आइकॉनिक फिल्म एन आइकॉनिक कैरेक्टर एज अमित जी मायसेल्फ दैट माय सन तनुज हॉट बेल्ट फीलिंग्स. We all love him and we all want him to keep going as he is, get stronger every time. If he can, I mean, if anybody can be better and stronger, then only he can do it. Do you think Mr. Bachchan ko Bharat Ratna award mila chahiye? Do you think? Aapko aisa lagta hai ki Mr. Bachchan ko Bharat Ratna award mila chahiye? Bilkul milna chahiye, kyun nahi milna chahiye? Sir, memory sir ke saath aapko jo yaad aayi, would like to share at this moment. Any memories with Bachchan sir that you remember? There are so many, I just can't tell you, honestly. Any particular style, Mr. Bachchan, sir? Any particular style, Mr. Bachchan, sir? Huh? Any style, Mr. Bachchan, sir? What is Bachchan, sir? Thank you. Sir, आज बच्चन साहब का 17वां जन्मदिन है, क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि ऐसा एक जन्मदिन ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात है. सर जी ग्रेट हो गए और बहुत बड़ी बात है. एंड दिस शॉर्ट ऑफ ए थिंग ग्रेट हो गए टुडे 17th बर्थडे विल बी गेम मिस्टर बच्चन सो व्हाट आर यू फीलिंग एंड व्हाट डू यू से वी लाइक टू विश हिम हार्टेस्ट हैप्पी बर्थडे वेरी मेनी prayers. We wish him all the success and happiness for the future. Anna ji, aapko lagta hai Bachchan sir aapko Bharat Ratna milna chahiye? Itni badi bachchi hai, itne bade bachchi hai. Working with him was a dream and it was something that I'll always remember for all my life. Any particular style do you like to Mr. Bachchan? Any particular style? I like every style. Actually, Mr. Bachchan on Kaun Banega Crorepati, wo mere sabse favorite. Bachchan, please.
70th birthday will be cancelled. सर यहाँ पे अभी सर बच्चा साहब से बड़ा लेजेंड बॉर्न हुआ ही नहीं और हम लोग बहुत खुश होती है उनकी ब्लेसिंग और बोल बच्चन में इस साल मुझे सक्सेस मिली और काम करने का मौका मिला मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका और सारे रत्न मिलने चाहिए और वो भी उसके लिए कम होंगे respect for them और बचपन से उनका बड़ा बहुत बड़ा fan रहा हूँ और I wish him all the best very very happy birthday to you sir lots of good health and lots of happiness sir वो कौन सा अंदाज़ है बचपन साथ जो आपको काफी पसंद है आप he is one of the best he is the best any particular style you like Mr. Bachchan thank you जी आपके बर्थडे पर आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और भगवान करें आप हजारों साल जिए और हम सबको प्रेरित करते रहें और हम सबका मनोरंजन करें और हम सबको दुआएं दें आशीर्वाद दें सर एनी पर्टिकुलर स्टाइल और वो भी स्लोप में चला रहे मैडम पीआर निधि साइड साइड वहां पर जाके खड़े हो जाते
शॉट है यार, क्या फुटेज वहाँ कसम। अरे आपने बिल्कुल सही बोला, और सिक्योरिटी पर आपको बिल्कुल सर 70th बर्थडे सुजी के मिस्टर बच्चन आजी। ओ आउटस्टैंडिंग, बस बहुत बड़ा दिन है आज, बिग बी 70 महानायक अमिताभ जी। बस मैं, हम लोग दोनों बहुत सारा पिक्चर किया साथ में, ऑल पिक्चर सुपर हिट। तो मैं कुछ नहीं, मैं छोटा सा गाना गा देता हूँ अमिताभ जी का इस शुभ अवसर पर। आज रपट जइयो तो हमें ना भूलइयो, आहा होए होए आहा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हाजी बच्चन, बस बहुत बहुत मुबारक हो सबको और अमित जी को स्पेशली। आई डन टू शोज विद हिम एंड दे वर रियली फैंटास्टिक मेमोरीज, एंड आई डिड दीज टू वर्ल्ड टूर्स विद बच्चन साहब, वेयर आई गॉट द टाइम टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, अबाउट 45 डेज एट अ स्ट्रेच। एंड सब जब होता ना कि व्हेन यू स्पेंड, जब इतना वक्त गुजारते हैं एक दूसरे के साथ, शूटिंग में क्या होता है कि सुबह शूटिंग करते हैं, शाम को हम लोग चले जाते हैं घर पे, पर इस वक्त हम लोग साथ में थे, महीनों साथ में थे। उस वक्त पता चला कि किस, यू नो, ही इज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ही कैन बी वेरी फनी, एंड वी हैड रियली अ ग्रेट टाइम डूइंग दिस शोस। सर डू यू थिंक कि मिस्टर बच्चन को भारत रत्न मिलना चाहिए, डू यू थिंक? हां जी, आपको क्या लगता है मिस्टर बच्चन को भारत रत्न? अरे उससे भी ज्यादा मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। स्टाइल ऑफ हिज पर्टिकुलरली और हम यही कामना करते हैं कि हर साल जो है इसी तरीके से जवान होते रहें और हम सब इकट्ठे होकर उनका वो कौन सी स्टाइल है जो आपको काफी पसंद है बच्चन साहब? उनका उनका व्यक्तित्व, उनका हर स्टाइल, उनका चलना, उनका बोलना, उनका बैठना, सब कुछ उनका एक स्टाइल है। सर एनी पर्टिकुलर स्पेशल गिफ्ट डेडिकेटेड ऑन यू, कोई ऐसा गिफ्ट जो आप बच्चन साहब को देना चाहते हैं? हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। डू यू शेयर एनी मेमोरी विद बच्चन साहब? अभी when Ishq Zade released, a few days after that I got a call from him saying, hello, this is Amitabh Bachchan and I just watched your film, and he said such amazing and such beautiful things to me. He sent me flowers, he sent me a card, it was a handwritten card where he said such amazing things about my performance, and it made me feel like, oh my god, that was the biggest award. So any particular style you like Mr. Bachchan, any particular style? Everything that he does is amazing. आप गाना भी बहुत ही अच्छा गाती है ऐसा सुना, तो बच्चन साहब के लिए अगर कोई एक गाना गुनगुना। मैं भी वहाँ से यहाँ तक मैं एक ही गाना गाती आ रही हूँ। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू करण।